मध्य प्रदेश में मदरसों के कोर्स पर विवाद छिड़ गया है। आरिफ मसूद का नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार सामने आया है और उन्होंने कहा है कि सरकार सरस्वती शिशु मंदिरों की भी जांच करे। सिर्फ मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, ये कहना है आरिफ मसूद का, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया था कि जिस तरह का करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है मदरसों में, उसकी जांच होनी चाहिए। इसी के चलते अब ये पलटवार आरिफ मसूद की तरफ से। मदरसों के सिलेबस की जांच अब कलेक्टर करेंगे, सरकार ने निर्देश दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, कई मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ते पाए गए, तो अब सिलेबस की जांच करवा रही है सरकार? बाकी जगह भी करवा ले, सिलेबस की जांच करा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। मदरसों के चलिए, मेरे साथ चलिए जहाँ जहाँ चलना है, लेकिन बाकी सरस्वती शिशु मंदिर पे भी नजर डाल लें। बच्चों की पढ़ाई पे बाध्य थोड़ी है, जो बच्चा जहाँ दिल चाहे पढ़े, स्वतंत्र है। अगर मुसलमान बच्चा है तो उधर पढ़ता है तो उसकी क्या रोक है? मदरसे सबके घेरे में क्यों, सिलेबस क्यों सबके घेरे में, क्या कोई नाकामी छुपाते हैं? नाकामी छुपाते हैं, कुछ कर नहीं सके, कुछ कर नहीं सके तो यही करो, सिर्फ यही बचा है इनके पास, और थोड़ी कोई काम है। आपको एतराज है मदरसों की जांच ऐसे? मैंने कहा ना, एतराज क्यों होगा, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, चलो सारे दिखवाता हूँ। अच्छा है कम से कम उसकी कोई दुर्दशा ठीक हो जाए, जाके देखें वहाँ किस हाल में पढ़ना है। सरकार ध्यान नहीं देती मदरसों की तरफ? आज तक कहाँ दे रही है पैसा, जो पैसा आज तक नहीं मिला बेचारों को, फिर क्या देती? सात साल से पैसा नहीं मिला, बात करने को आ गए। अच्छा, सरस्वती शिशु मंदिरों की जांच होना चाहिए? बिल्कुल, जैसे मदरसों के सिलेबस की जांच हो रही है, वैसे ही सरस्वती शिशु मंदिरों की भी जांच होना चाहिए, ये मांग की है कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद ने। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और इससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में मदरसों के कोर्स की जांच की बात कही थी। मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबों की जांच होनी चाहिए, उसके आदेश दिए नरोत्तम मिश्रा ने। तर्ज कोई नहीं होती है भाई, हमारा अपना विधान है, हमारा अपना सोच है, और जिस तरह का उस पुस्तक में उल्लेख आया था, उसमें कहा था कि हम जिलाधीश महोदय को ये बात कहेंगे कि अपने विभाग का, शिक्षा विभाग का कोई एक ऐसा लिटरेचर देखे कि आपत्तिजनक सामग्री तो नहीं पढ़ाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में ये विवाद भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार इससे जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे।